हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस वेरिफिकेशंस के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी अपडेट है। अगर स्पेशली हम बात करें अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का, आज बहुत सारे बच्चों का वेरिफिकेशन अपडेट हुआ है। पहले मैं स्टेटस दिखा दूँ, फिर आपसे बात करूँगा कि क्या चीज़ है वो। मैं इस न्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि फैजाबाद अयोध्या और बीएड सेकेंड ईयर स्कॉलरशिप जिसका हमें इंतज़ार था, आखिरकार वो हुआ 10/3, यानी कि जिस दिन इलेक्शंस का रिजल्ट आया है उस दिन ये वेरिफिकेशन हुआ है। याद रखिए, वेरीफाइड 10 को हुआ है लेकिन अपडेट आज के दिन हुआ है, 11 तारीख को आज अपडेट हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी भी स्कॉलरशिप यहाँ पे वेरीफाइड हो गई होगी और अपडेट हो गया होगा। तो दोस्तों अभी ये रिसेंटली कई फोटोज़ आ रहे हैं, स्टेटस आ रहे हैं कि बच्चों का अब यहाँ पर वेरीफिकेशन शो करने लगा बीएड सेकेंड ईयर अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद। आप देख सकते हैं अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद बीएड सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप स्टेटस है जो कि 10/3 यानी कि कल को वेरीफाई हुआ है। और अगर आपका ये स्टेटस आता है तो फिर बिल्कुल आपको आंख बंद करके निश्चिंत हो जाना है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। कहने का मतलब है कि आपका वेरीफाई हो गया है और अब यहाँ से पैसा मिलने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ से कंफर्म आपको यहाँ से पैसे मिलने हैं। तो दोस्तों ये अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग अपडेट है। नॉट ओनली द बीएड सेकेंड ईयर, मोस्टली प्रॉब्ली सारे वेरिफिकेशन अब शुरू हो चुके हैं, कॉलेज वाइज हो रहा है। मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि आपके कॉलेज का भी यहाँ पर हो चुका होगा, लेकिन ये न्यूज़ थी कि आज अपडेट हुआ है। जिन बच्चों का कल स्कॉलरशिप वेरीफाइड हुआ था 10/3 को, वो आज अपडेट हुआ है, इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था आपके लिए। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप भी अपना स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करिए और बताइए कि वहाँ पे क्या लिख के आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ खास आपको बता दूं कि ये जो वेरिफिकेशन है, इससे पहले यहाँ पे क्या लिख रहा था, इससे पहले यहाँ पे लिख रहा था इन्वॉल्वमेंट नंबर, मार्क्स मिसमैच बता रहा था। और ये स्टेटस वेरीफाई हुआ, इसके लिए स्टूडेंट ने क्या किया, कुछ नहीं किया, ना ही ये समाज कल्याण जाके वेरीफाइड कराए हैं और ना ही ये अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दिए थे, कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया था क्योंकि जो बच्चे प्रमोट हुए थे उनका मार्क्स मिसमैच या रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड शो कर रहा था। तो इनका जो स्टेटस अपडेट हुआ है वो बिना किसी एप्लीकेशंस या बिना समाज कल्याण गए अपने आप स्वतः हो गया है। और अगर आपने फॉर्म जमा किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है। एक छोटी सी अपडेट थी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, और स्पेशली मैं ट्रैक करता हूँ फैजाबाद यूनिवर्सिटी अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि कितने और लोगों का हुआ है, मगर मुझे खुशी होगी कमेंट में जान के कि क्या आपका वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और नहीं हुआ हो तो प्लीज़ आप निश्चिंत रहें, आपका भी बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ऐसे ही अवध विश्वविद्यालय से रिगार्डिंग न्यूज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे साथ मिलके पढ़ा जाता है, बात किया जाता है और समस्याओं को समाधान पे चर्चा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड हो गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना स्टेटस चेक कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।